हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। पर्पल से मैंने कुछ चीजें खरीदे हैं तो उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सारी चीजों पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मुझे मिला है, तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है मैंने। फर्स्ट प्रोडक्ट है पर्पल वेबसाइट का मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, वो है एनवाइबे ये कोल स्टिक। ये है द बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल स्टिक और ये एकदम डार्क जेट ब्लैक कलर है विच इज स्मज प्रूफ। इसका जो फॉर्मूला है वो मुझे काफी पसंद है और ये शायद मेरा थर्ड परचेज है। काफी अच्छा है क्योंकि ये अफोर्डेबल है, सो अगर कॉलेज गोइंग गर्ल्स या फिर टीनेजर्स इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि इसमें कोई पैराबेन या सल्फेट मतलब कोई केमिकल नहीं है। सो ये बिल्कुल हर्बल है तो आईज पर कुछ इरिटेशन भी कॉज नहीं करता। नेक्स्ट मैंने पर्पल से मेबेलिन कोलोसल मस्कारा खरीदा है। सो आई वॉज रनिंग आउट ऑफ मस्कारा, सो मुझे लगा पर्पल वेबसाइट पर मैं इसे खरीद लेती हूँ क्योंकि ये अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में भी मुझे मिल रहा था। सो ऐसा नहीं कि पर्पल वेबसाइट पर आपको सिर्फ पर्पल एक्सक्लूसिव ब्रांड से डिस्काउंट में मिलते हैं, उसमें मेबेलिन या फिर निविया ऐसे कुछ ब्रांड्स पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। सो ये मुझे अच्छा लगा। ये वाला वाटरप्रूफ है ये मस्कारा, लेकिन थोड़ा सा क्लम्पी होता है। सो अगर आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो करूंगी या फिर कंपेयर करके आप लोगों के साथ कुछ रिव्यू शेयर भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एल्प्स कूनेस का रोज टोनर, जिसका कलर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एकदम ब्राइट पिंक कलर है, लेकिन इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल भी रोज का स्मेल नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्मेल है, लेकिन स्मेल अच्छा है और थोड़ी देर ही स्टे करता है, उसके बाद स्मेल नहीं मिलता आपको। और ये एकदम स्प्रे बॉटल में आता है, सो देख सकते हैं आप लोग कि एक स्प्रे में ही ये पूरा स्प्रेड होके निकलता है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो आप लोग अगर खरीदना चाहते कुछ अच्छा सा रोज टोनर तो आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। हर्बल है और कोई केमिकल इसमें नहीं है और आप इसे इनफैक्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ टोनर्स, पर्पल एक्सक्लूसिव एक ऐसा ब्रांड है जिसका टोनर काफी फेमस है और मुझे काफी पसंद है। हालांकि मेरी बहुत ही ऑयली और सेंसिटिव स्किन है, फिर भी ये वाला जो टोनर है वो मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता है। यह गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर और ये रोज टोनर है, लेकिन इसमें नीम एक्सट्रैक्ट भी है। सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या फिर पिंपल या रैशेस की प्रॉब्लम है तो ये वर्क करेगा अच्छे से। और इसका भी नोजल काफी अच्छा है, ये स्प्रे बॉटल में आता है, आप मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। ये इसका फॉर्मूला मुझे काफी पसंद है, मैं इसे हमेशा टोनर की तरह इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी गुड वाइब्स का ही है। ये गुड वाइब्स रोज है रेडियंट ग्लो फेस सीरम, ये मेरा सेकेंड परचेस है। ये मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू वीडियो शेयर किया है, जो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया है और वो अभी भी ट्रेंडिंग में है, मतलब उसका जो व्यूज है वो अभी भी बढ़ रहा है। सो ये जो गुड वाइब्स का है ये मुझे सूट नहीं किया, मेरे स्किन पर ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम होते हैं इसे इस्तेमाल करने से, लेकिन ड्राई स्किन पीपल के लिए अच्छा है। सो मेरे फैमिली में ड्राई स्किन मेंबर है, सो दैट्स व्हाई मैंने उनके लिए सेकंड परचेस है ये वाला। इसका अलग से ड्रॉपर मिलता है और ये जो बॉटल है वो इस तरीके से आता है। सो बहुत ही छोटू सा है, लेकिन इसका बड़ा पैक भी आपको मिल जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है फॉर ड्राई स्किन पीपल, ऑयली या सेंसिटिव स्किन पर ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, लेकिन अगर आपको सूट कर गया तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है एक पॉकेट परफ्यूम। तो आजकल पॉकेट परफ्यूम बहुत ही ट्रेंड में है और काफ़ी यूजफुल भी है। सो ये है यार्डले लंडन, मैंने एक प्रीवियस हॉल में भी इसे शेयर किया था, वो मेरा फर्स्ट परचेज था, ये मेरा सेकेंड है बिकॉज वो खत्म हो चुका था। और इसका जो ऑटम ब्लूम वाला जो स्मेल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस। इसका एक पर्पल वेरियंट भी आता है तो उसका थोड़ा सा फ्लावरी है और ये वाला काफ़ी स्वीट है, सो मुझे स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद है। काफ़ी हैंडी प्रोडक्ट है, पॉकेट में इजिली या फिर वॉलेट में इजिली आ जाता है। सो आप लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का ये हॉल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और ये काफी अफोर्डेबल हॉल वीडियो है, तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना। आज के लिए इतना ही, वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।